नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। हमारे सुपर 30 लीग चैंपियनशिप सीजन 2 का ये सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल है और राजशाही रॉयल्स और ट्रिनबागो की टीमें भिड़ने वाली है एक दूसरे के सामने। टिंगम शायर ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, वेट कर रहा है अपने सेकेंड अपने अपोनेंट का। यहाँ पर हम बने राइट साइड की टीम ट्रिनबागो और टॉस अनफॉर्चुनेटली जीतता हुआ राजशाही रॉयल्स, जो कि डे 5 हैवी क्रैक्स वाली पिच पे, जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी डस्टी है, वहां पर पहले बॉलिंग का फैसला कर रहा है। हमारी आएगी बैटिंग और हम करेंगे डिफेंड आज, जो मैं नहीं चाहता था। लैंडर सिमंस नजीब के सामने, ग्राउंड शॉट, पहली ही गेंद गैप, ग्राउंड बहुत ही छोटा है जैसा कि आप देख सकते हैं, चौके से आगाज। अब देखना होगा कितना रन इस पिच पे सही होगा। कोशिश हर गेंद पे लॉफ्टेड की हो रही है, गैप मिलता हुआ एक बार फिर। बहुत ही छोटा ग्राउंड है ये, बहुत ही छोटा, बार बार ये चीज नोटिस हो रही है जब भी गेंद 38 के बाहर जा रही है। दो बाउंड्रियां, सीधी गेंद, शॉट बेहतरीन। अभी तक चौकों से काम चला रहे थे, ये शॉट 6 लगा है और सीधा स्टैंड के बाहर। गेंदबाज की चिंता बढ़ेगी, गेंद काफी नीचे भी रहा है ये, क्योंकि सॉफ्ट और ग्रास थोड़ा सा सॉफ्ट और डस्टी पिच है, पर फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं। दो गेंदों में 10, काफी दूर गेंद और रन आउट हो गए। शॉट एक्चुअली मिस नहीं होना चाह रहा था, मैं एम्पायर की उंगली उठ चुकी है और ये शॉट देख सकते हैं, हम लोग तुरंत आगे बढ़े, हमें लगा रन ले लेना बेहतर होगा, पर बल्ला ही मिस कर गया और बल्लेबाज फिर क्रीज में पहुंच ही नहीं पाए। वेबस्टर अच्छा खेल रहे थे लेकिन आउट हो गए। अबू जैद, पैरों पे नीचे रही गेंद, बहुत बुरी तरह से नीचे रही है ये गेंद और एक रन बाय का निकलता हुआ, लेग बाय का। जायद के सामने हम तैयार, गेंदें नीचे रह रही हैं लेकिन गैप मिड विकेट पे बहुत ही बड़ा है। हल्का सा फ्लिक किया और चार निकाला ब्रेवो ने। कोशिश तो फिर से यही है कि 15-16 जितना हो सकता है, लेकिन कैच इस बार ऑफसाइड चली गई थी, ज्यादा फ्लिक करने की फ्लिक के चक्कर में शॉट को डायरेक्शन दे ही नहीं पाया सही और मिड डाउन पर कैच आउट। सेम शॉट पे चौका लगाया था लेकिन इस बार लेंथ जो थी, लाइन जो थी वो बदल दी थी गेंदबाज ने, उसी का फायदा मिला और ब्रेवो का विकेट ही मिलता हुआ जाए थे। गेंदें 4 रन और 1 विकेट निकाला, ये 6 लगा दिया ऑफ साइड पे, बहुत आसान है 6 लगाना ऑफ साइड पे, खास करके मिड ऑफ के हिस्से में, पॉइंट के हिस्से में काफ़ी आसान है, पॉइंट के हिस्से में और कवर के हिस्से में काफ़ी आसान है। रन रेट को 16 बना के रखा है, सबसे खराब गेंद अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम 6 नहीं लगा पाए, इस बात का अफसोस है। 4 आता हुआ अभी के लिए और 2 गेंदों पे बड़े हिट लगा दिए। सिमंस की आधी सी पारी चलती हुई, इसी बीच नो बॉल गया, बॉटम हिट ने बचा लिया क्योंकि बड़ा हिट किया था हमने, लकी रहे गेंदबाज की आया नहीं, मिडलिंग नहीं हुआ, नो बॉल फ्री हिट। बिंदास शॉट के लिए रेडी और ये शॉट अब देखना है क्या 6 जाएगा, क्योंकि मिड ऑफ पर भी कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है। जी हाँ, 6 रन, 77 मीटर लंबा छक्का। पहली ओवर में 16, अगली ओवर में 19 और इस नए ओवर की शुरुआत 6 के साथ। एक भी 50 टूर्नामेंट में लगे नहीं है मेरे, क्या आज मन में इच्छा जग रही है, एक और छक्का लगा दिया, 28 तो पहुंच गए, नहीं सॉरी सॉरी चौका है ये। रजा की ये दूसरी गेंद, पहली गेंद पे ऑलरेडी 6 लगा दिया है और इस गेंद को भी 6 के पार भेजा, ये जाएगा स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। राजशाही के चांसेस हर एक शॉट्स के साथ कम होते हुए, वो चेज कर भी लेगी पर इतना बड़ा नहीं कर पाएगी, 80-90 नहीं कर पाएगी। 17 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी तो और हिटिंग बाकी है। एक और छक्का यहाँ पर, 23 रन 5 गेंदों में और लास्ट गेंद को तैयार है बल्लेबाज खेलने के लिए। 3 गेंदों में 18, शॉट थोड़ा सा मिस किया है और कैच, एक गलती कोई जीवनदान नहीं है क्रिकेट में आपके लिए इस बार। बढ़िया कैच, ऊंचा था पर कैरी किया और तेज भी आया था, फ्लिक शॉट एक बार फिर कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता, देख सकते हैं फील्डर ने काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ा उनको और इन द एंड सिकंदर रजा की पारी समाप्त। 11 गेंद हैं, 50 करना है तो अभी करना होगा, मैं 2 ले रहा हूं लेकिन मतलब ही नहीं, बनी नहीं बात, लाइक बाय का एक रन नॉट आउट है, इसमें कोई संदेह नहीं। और DRS ले रहे हैं, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मिसिंग होगा, इंपैक्ट भी बाहर होगा, विकेट भी मुझे तो मिसिंग ही लग रहा है, इंपैक्ट नहीं बचा लिया हाल फिलहाल और विकेट एम्पायर्स कॉल आ रहा है, नॉट आउट थे, नॉट आउट ही रहेंगे। इनका 50 कराने की इच्छा है लेकिन गेंदें बहुत बढ़िया आ रही है, लीजिए फील्डर नज़दीक में खड़े हैं सारे, तो बीट कराया, चौका लगाया। 19 रन और 6 चाहिए, 6 चाहिए ये गेंद, लेकिन शायद विकेट हो सकती है, विकेट नंबर 4 कोलकाता ने, सॉरी कोलकाता नहीं, ट्रिनबागो ने, नाइट राइडर्स ने गंवा दिया है।
50 करने का पूरा सपना टूटता हो। अब एक ही मैच बचा है मेरे पास फाइनल जो कि है, अगर उसमें 50 लगते हैं तो ठीक, नहीं तो पूरे टूर्नामेंट में हमारा 50 नहीं लगा एक भी विकेट गिरा। इस समय लैंडर समर्स का अच्छी पारी समाप्त, 8 गेंदे बाकी हैं। खराब गेंद हमने एक निकाला वाइट के थ्रू, और एक वाइट का भी मिलेगा और एक हमारा रनिंग का, तो 2 रन टोटल इस ओवर इस गेंद से। खराब गेंदों पे बड़े शॉट तो लेंगे। अब ये थोड़ी सी बेहतर गेंद आई है, रन आउट भी हो सकते थे, सही वक्त पे वापस गए। 5 गेंदे बाकी है, वीक गेंद और स्टेडियम के बाहर इस बार नहीं जाएगी क्योंकि फील्डर उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और फील्डिंग में कहीं कोई गलती नहीं की रास्ते में, इसका क्रेडिट मिलेगा। जी हाँ, TKR जो कि उम्मीद कर रहा था 90-80 प्लस जाने का, वो सपना चूर हो गया है। 4 गेंदे बाकी और अभी इस वक्त आउट हो चुके हैं, ऑल आउट हो चुके हैं। थोड़े से निराश होंगे, जिस तरह से शुरुआत की थी बेहतर रन उम्मीद कर रही थी। तमरी 2 इनिंग आप नोटिस कर सकते हैं, सिमंस की 31 की और 4 गेंदों में 18, सिकंदर रजा की, बाकी सबने कुछ खास नहीं किया है। विकेट सभी गेंदबाज को है सिवाय नजीब को पहला ओवर जिन्होंने किया था। अंत में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की रेजा जिन्होंने 9 रन देके एक विकेट निकाला, और नवाज ने बिना कोई रन निकाले एक विकेट निकाला है। 73 का पीछा करने उतरेगा राजशाही, टोटल चेस किया जा सकता है इस मैदान पर। ये आते हुए लिटन दास और ध्रुवो, मैं बता दूं कि बॉलिंग यहां पे मेरे ख्याल से हमारे लिए मुश्किल होने वाली है, स्कोर कार्ड पे ज़्यादा रन नहीं। गेंदे अधिक से अधिक पिच कराने की कोशिश है, स्विंग होता हुआ गेंद कराया नहीं था लेकिन अपने आप पिच से मदद मिली, 1 रन खाता खुला रहा उस राजशाही का। कप्तान फील्डिंग में बदलाव, 3 गेंदों में कहीं कोई बड़े शॉट का अटेम्प्ट नहीं है, और ये इच्छा मेरी 4th गेंद पे पूरी की राजशाही ने, स्ट्रेट हिट किया है, 4 रन मेरे हिसाब से एम्पायर पे निगाहें होंगी। जी हाँ, चौका, 15 रन पर ओवर करना है, यहाँ पर एज लगी है, सिर्फ 5 ही रन पहली ओवर में। मुझे लग रहा है स्पिनर विकेट निकालेंगे, आसान नहीं है स्पिनर्स को खेलना। और ये देखिए बॉटम हिट लगने के कारण ये छोटे से ग्राउंड में भी दूरी तय नहीं कर पा रही है इनकी गेंदें, इनके शॉट्स, और बाउंड्री पे सीन्स ने किया एक बढ़िया कैच, दास का विकेट गिरता हुआ, ट्रिनबागो को मिलेगी सफलता। मुझे लग रहा है और सफलता मिलेगी स्पिनर्स को, स्ट्रेट शॉट था, शॉट सिलेक्शन में गलती नहीं थी, गलती हुई मिडलिंग नहीं कर पाए गेंद को, कैच भी थोड़ा सा क्लोज था बाउंड्री लाइन के, लग रहा था छूट भी सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज फील्डिंग बढ़िया रही थी, रिटन दास आउट होते हैं अभी के लिए। पियर तलाश कर रहे हैं दूसरी विकेट की, गैप में है 9 पे पहुंचेगा स्कोर इस शॉट के साथ। चीज जो मैं मिस कर रहा हूं वो है एटीट्यूड, क्यों मिसिंग है, एज लग रही है, डॉट जा रही है गेंदें, अच्छा नहीं खेल रहा राजशाही। एक और विकेट की उम्मीद कर रहा हूं मैं, स्पिन तो देखिए कितना बढ़िया, और राजशाही के गेंदबाज जो इस पिच का फायदा ही नहीं उठा पाए, और हम यहां पर दूसरा विकेट, मैंने कहा था कि दूसरा विकेट मिलेगा, और अनलग ही कितना रहे, स्ट्रेट शॉट देखिए, इससे पहले बॉटम ले चुके थे बल्लेबाज दास, इस बार बॉटम भी टच नहीं हुआ, एकदम बॉटम का कॉर्नर जो होता है वो हिट हुआ, और हल्का सा किनार रख के गेंद स्टंप्स में गई और बोल्ड होते हुए सुकुरो। एक और स्पिनर मलिक यहाँ पर स्ट्रेट ले लिया है बल्ले पे ले लिया है, और अगर आ गया है शॉट तो फिर 4 भी जाएगा, वही हुआ हुसैन के बल्ले से, काफी दबाव राजशाही के बल्लेबाजों पे, लेग स्पिनर राइट आर्म राउंड द विकेट, एज पे एजेस लगते हुए, स्पिनर्स की गेंदें इतनी नीचे रह रही हैं, और ये कैच काफी अजीब सा है, अंपायर ने जी आउट दिया है, यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है राजशाही की तरफ से कि वो नीचे से गेंदों को उठा ही नहीं पा रहे कि शॉट ले सके, एज दिया आउट हुए, यहाँ पर देख सकते हैं काफी अजीब, काफी नीचे भी रहा गेंद। ध्रुवो इस बार आउट होते हुए विकेट गंवाया, अपना पैड पे लगी, फिर निचले हिस्से में लगी पैड के और फिर कीपर के पास, अफीफ हुसैन आउट, फिर 3 मैच में चांसेस तो खोते हुए, स्ट्रेट हिट फिर से, इस बार रसेल ने आते ही अपना हिट करना शुरू कर दिया है, और 6 है ये 4 नहीं 6, क्या एक गेम चेंजिंग पारी देखने को मिलेगी, स्विफ्ट शॉट बीट हुए हरी है, रसेल की बॉटम हिट ले लिया है बल्ले पे, लेकिन 4 से काम नहीं बनेगा, छक्के चाहिए आपको, पेस में बदलाव कर रहे हैं ताकि गेंद ऊंची ही ना हो, कैच ये कहां डाइव लगा रहे हैं, कैच स्लिप में हो रहा है, अपील देर से हुई है, काफी देर से मैंने क्लिक तो किया, और जी आउट हुए हैं, रसेल यहां पर, ब्रेवो के हाथों आउट होते हुए, DRS के लिए बातचीत हुई लेकिन कोई मतलब नहीं, और कीपर दूसरी दिशा में गिर रहे थे, मुझे डर लगा कि अब क्या करेंगे, आधे में इधर जाएंगे क्या, कोई बग आएगा क्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये एक्चुअली गेंद स्लिप में गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की उसको सही वक्त पे कैरी करने में। विकेट नंबर 4 राजशाही का गिरता हुआ, ऑल आउट से बस 1 विकेट दूर नवाज, अरे नो बॉल नहीं डालनी है, ऑल आउट करना है, फ्री हिट मिलेगा, ब्रेवो की फ्री हिट, उसका फायदा परफेक्ट तरीके से उठा लिया है, चौका,
और गेंद धीरे रख रहे हैं ताकि ये फंसे और फंसे भी हैं। बीट हुए नवाज, सेम गेंद, पेस बहुत कम और ये ऑल आउट होगी अगर कैच करते हैं बाउंड्री लाइन से पहले। जी हाँ, लग तो रहा है कि कर लिया है इन्होंने कैच। और जी हाँ, बधाई यहाँ पर जाएगी ट्रिनबागो को, फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनता हुआ तो नॉटिंघम शायर और ट्रिनबागो के बीच में होगा सुपर 30 लीग चैंपियनशिप सीजन 2 का फाइनल। हमने दोनों सेमीफाइनल्स बड़े अंतर से जीते हैं और बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करके जीता है। बधाई होगी ट्रिनबागो को, बहुत बड़ी जीत 42 रन की सुपर 30 मैच में। तो फाइनल की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हाल फिलहाल सेमीफाइनल नंबर 2 में लैंडर सिमंस बनते हुए मैन ऑफ द मैच 11 में 31-50 कर सकते थे, हम मिस कर गए अभी के लिए तो। पर अब अगला मैच जो होगा वो देगा हमें विनर, जो कि नॉटिंघम शायर या ट्रिनबागो में से एक होगा। जो भी है, जैसा भी पता लगेगा आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।